हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ दो रेसिपीज शेयर कर रही हूं। पहली मटर मशरूम की सब्जी। यह सब्जी बनेगी बहुत ही क्रीमी, लेकिन ना तो इस्तेमाल करेंगे हम कोई कैशू पेस्ट ना ही कोई क्रीम। घर में खाने के लिए बहुत ही हल्की फुल्की सब्जी। इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कैसे करना है वह भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। दूसरी रेसिपी रहेगी थ्री पॉकेट पराठा की। यह पराठा चाहे तो बनाया जाए प्लेन या फिर बनाया जाए मसालेदार। बड़ों को तो ये पसंद आता ही है, बच्चों को ये बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों पॉकेट्स में आप डाल सकते हैं अलग अलग फिलिंग्स। बहुत सारी वैरायटी मैं बताऊंगी क्या क्या डाला जा सकता है। पहले बनाते हैं मटर मशरूम की सब्जी। सबसे पहले एक पैन गैस पर चढ़ा रही हूँ मीडियम हीट पर, और एक बार पैन गर्म हो जाएगा तो इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच जितना तेल। तेल हल्का गर्म होने पर डालूंगी इसमें एक मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है मोटा मोटा, और साथ में 2 हरी मिर्च भी चॉप कर ली हैं। बस इसे बराबर चलाते हुए मैं मीडियम हीट पर ही भून लूँगी। प्याज को भूनते हुए अभी 1.5 मिनट ही हुआ है, तो मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन। एक छोटा टुकड़ा लिया है मैंने अदरक का, और 2 कलियाँ थी लहसुन की, मोटी मोटी कलियाँ थी, उन्हें भी रफली चॉप कर लिया है। अब इसे प्याज के साथ ही भून लूँगी। प्याज को हमने कोई बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, यह हल्का गुलाबी ही होगा ऐसे ट्रांसलूसेंट सा। तो मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ टमाटर। 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं, और काटने के बाद देखिए रफली 3/4 कप बन गया है ये क्वांटिटी में। इसे भी प्याज के साथ मिक्स करके भून लेंगे, और ये बन जाएगा हमारा मशरूम मटर का तड़का। टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए उसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच नमक। ये टमाटर काफ़ी जूसी हैं, ये अपने पानी में ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपके टमाटर में जूस कम है तो फिर आप साथ में 1-2 बड़े चम्मच पानी भी ऐड कर दें। नमक को भी कर दिया है मिक्स, बस अब इसे ढककर मैंने कुक कर लेना है। हीट को मैं कर रही हूँ लो और मीडियम के बीच में। इसे बीच बीच में चलाती रहूँगी, और अब तब तक कुक करना है जब तक कि टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, उसका छिलका अलग ना हो जाए। 4 से 5 मिनट में टमाटर भी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, इसमें बीच बीच में चलाती रही हूँ। इसमें भी मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी ताकि पैन भी डीग्लेज हो जाए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके गैस को कर रही हूँ बंद। यह मिक्सचर ठंडा हो जाएगा, मैं इसका एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। फाइनल तड़के के लिए मैं दोबारा से पैन चढ़ा रही हूँ गैस पर, और पैन गर्म होने पर इस पर डालूंगी मैं 2 बड़े चम्मच जितना तेल। तेल हल्का गर्म होगा तो डालूंगी 1 छोटा चम्मच जीरा। अब हमें जीरा को बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से चटकने नहीं देना है, बस 25-30 सेकेंड ही इसे भूनेंगे। तो इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 छोटा चम्मच गेहूँ का आटा। हीट अभी इस टाइम पर है बिल्कुल ही लो पर। आटे को मैं बराबर चलाते हुए भून लूँगी, अब साथ साथ जीरा भी भुन जाएगा। आटा बहुत ही थोड़ा सा डाला है, बहुत जल्दी भुन जाएगा। अभी मुश्किल से इसे डाले हुए 40-45 सेकेंड हुए हैं, तो मैं इसमें डालने लगी हूँ ये 1 तेज़पत्ता। इसे भी साथ में भून लूँगी, बस 20-30 सेकेंड और, तो इसमें मैं मिक्स कर दूँगी ये पिसा हुआ मसाला। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा और भून लेंगे। इस तरह से भुना हुआ आटा डालकर ग्रेवी बनाने से हमारी ग्रेवी बनेगी क्रीमी, बिल्कुल बाजार जैसा मटर मशरूम चाहते हैं। तो आटा डालने की बजाय आप इस टाइम पर 10 से 15 काजू का पेस्ट डाल दें, और गार्निश में डाल दें फ्रेश क्रीम, तो बन जाएगा आपका रेस्टोरेंट स्टाइल मटर मशरूम। अगर इस तरह से आटा डालकर ग्रेवी को क्रीमी कर रहे हैं तो खास ध्यान रखिएगा आटे की क्वांटिटी थोड़ी ही डालनी है, ज़्यादा डाली तो फिर ग्रेवी का टेस्ट खराब हो जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखें कि आटा अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए, ना तो कच्चा रहे और ना ही जले। ये तड़का भुन गया है अच्छे से, तेल छोड़ने लगा है, इसमें डालूंगी 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इन्हें कुछ सेकेंड्स के लिए भून लूंगी, और फिर मिलाऊंगी 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। मैंने पहले तड़का लगाते टाइम नमक डाला था, थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ, ये अब मशरूम और मटर के लिए है। मैंने 1/2 कप फ्रोज़न मटर लिए थे और उन्हें पानी में डालकर रख दिया था थॉ करने के लिए। अभी सॉफ्ट हो चुके हैं, इन्हें भी ट्रांसफ़र करती हूँ इस तड़के में। आपके पास जो भी मटर अवेलेबल हो, फ्रेश हो या फ्रोज़न, आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। ये मटर और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। अभी मटर को कुक करेंगे। पहले मैंने जिस जार में ब्लेंड किया था तड़का, बस उसी में ही थोड़ा सा पानी डाल लिया है ताकि सारा मसाला ही निकल कर आ जाए। इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ इस पैन में। मैं फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ तो ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो वह थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे, तो आप पानी अकॉर्डिंगली डालें। इस सभी को करती हूँ अच्छे से मिक्स, और फिर इस पर ढक्कन लगाकर इसे कुक कर लूँगी। अभी शुरू में हीट रख रही हूँ मीडियम पर ताकि इसमें फटाफट से उबाला आ जाए।
एक बार ये पानी उबल जाएगा तो फिर मैं हीट को कर दूंगी लो और मीडियम के बीच में। अब जितनी देर में ये मटर कुक हो रहा है उतनी देर में मशरूम को रेडी कर लेती हूँ। मैं ऑलरेडी मशरूम को धोकर सुखा चुकी हूँ, बस अब इसके पीसेस करने हैं। मशरूम का ये बिल्कुल कोने वाला जो हिस्सा है, जो थोड़ा सा वुडी होता है, उसे निकाल देंगे, वह इस्तेमाल नहीं करेंगे, और बाकी मशरूम को पीसेस में कट कर लेंगे, छोटे पीसेस में। अगर तो आपके मशरूम बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के हैं तो आप उन्हें साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहें तो हर मशरूम का दो हिस्से कर लें या चार हिस्से कर लें, साइज़ पर डिपेंड करता है। मैं हर मशरूम को 8-8 हिस्सों में बांट रही हूँ, और जो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं उन्हें मैं 12 हिस्सों में बांट रही हूँ। मशरूम को बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में मत करिएगा, क्योंकि मशरूम में बहुत सारा पानी होता है, जो पानी निकलता है मशरूम काफ़ी श्रिंक कर जाते हैं। अगर आपने एक्सट्रीमली छोटा टुकड़ा कर दिया मशरूम को, तो वह फिर सब्ज़ी में बिल्कुल मटर की तरह दिखने लगेगा, छोटा छोटा सा। मैंने सारे ही मशरूम को कट कर लिया है, छोटे बड़े मिक्स्ड साइज़ के थे, वज़न में थे ये 150 ग्राम। इधर मटर को भी कुक होते हुए ऑलमोस्ट 7 मिनट्स हो चुके हैं, 7 मिनट। अभी ये मशरूम के साथ भी कुक होंगे, इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ ये कटे हुए मशरूम। और अभी आप इसमें ना पानी का बहुत ही खास ध्यान रखिएगा, मशरूम में से बहुत सारा पानी निकलता है, तो आप एडिशनल पानी बिल्कुल मत डालिएगा। ज़रूरत होगी तो आप बाद में और ऐड कर सकते हैं, कुकिंग के टाइम में अगर लगती है ज़रूरत तो बाद में और पानी ऐड कर लीजिएगा, बट शुरू में मत डालिएगा। अभी इसे अपने पानी में ही कुक होने दीजिएगा। इसमें अब 5 से 7 मिनट के लिए कुक करूँगी, हीट को मैं रखूँगी लो से मीडियम के बीच में, ढक्कन लगा कर कुक करूँगी। मैंने इसे 7 मिनट के लिए कुक किया है, सब्ज़ी अब है बिल्कुल तैयार, मैंने गैस को भी कर दिया है बंद। इसमें मैं डालूंगी बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला, 1/3 छोटे चम्मच जितना, ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया डाल सकते हैं इसके ऊपर। मैं सब्ज़ी में थोड़ी सी ग्रेवी चाहती थी, तो मैंने अभी कुकिंग के टाइम पर 1/4 कप पानी डाला है, 1/4 कप यानी कि 4 बड़े चम्मच जितना पानी। सूतने में ही देखिए इतनी ग्रेवी भी रेडी है, और मशरूम और मटर दोनों ही बढ़िया से कुक हो गए हैं। अभी मैं आपको ये देखिए कट करके भी दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आलू की तरह नहीं कटेगा। मशरूम की कुकिंग बिल्कुल पास्ता की तरह रहती है, जैसे पास्ता को हम रखते हैं कि उसकी हल्की सी बाइट रहे, जैसे अल डेंटे बोलते हैं कि अल डेंटे रहना चाहिए पास्ता, वैसे ही मशरूम भी रहता है। ये तेज पत्ता पहले निकाल देती हूँ, साइड में करते हैं इसे। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप इसमें 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम के डाल के सर्व कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम ना हो तो घर की मलाई को ही हल्का सा बीट करके वह मिक्स कर लें, तो इसका फ्लेवर और भी निखर कर आएगा। मैं अभी ना मलाई डाल रही हूँ ना क्रीम, हल्का फुल्का ही रख रही हूँ। देखिए मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ, मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है इतनी देर में, और मशरूम का साइज़ आप देख सकते हैं हम श्रिंक होके कितना हो गया है, और ये भी बिल्कुल जैसे मैं बता रही थी कि आलू की तरह सॉफ्ट नहीं रहेगा, हल्की सी बाइट रहनी चाहिए इसमें, तभी मशरूम का बढ़िया टेस्ट आता है। हमारी मशरूम मटर की सब्ज़ी है तैयार, इसे भी करती हूँ साइड पर, और फिर अब बनाते हैं 3 पॉकेट परांठा। परांठा बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गेहूँ का आटा, ऑलरेडी गूंदा हुआ पड़ा है फ्रिज में, वही यूज़ कर रही हूँ। जो आटा आप रोज़ में रोटी पराठा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही इस पराठे के लिए भी लेना है। सॉफ्ट गूंदा हुआ है आटा, काफ़ी प्लायबल है। इसमें से मैंने तोड़ ली है एक थोड़ी बड़ी बॉल, इसे सूखे आटे में लपेटूंगी और इसकी एक स्मूथ बॉल बना लूंगी। उसके लिए आप आटे को इस तरह से स्ट्रेच करते जाएं और नीचे की तरफ फोल्ड करते जाएं, और नीचे जो सारे फोल्ड्स हो रहे हैं उन्हें इकट्ठा कर लेंगे, देखिए इस तरह से, और दबा देंगे। अब ऊपर की सरफेस इससे हो जाती है बिल्कुल स्मूथ। इसे मैं रोल करूँगी सूखे आटे में, सूखे आटे में लपेट कर अब इसे बेल लेंगे। मैंने इसे काफ़ी बड़ा बेल लिया है, 8 से 9 इंच का। इस पर लगाती हूँ घी, पिघला हुआ घी लगाएंगे, और घी लगाएं या तेल आपकी अपनी चॉइस है, और पूरे ही सर्कल पे स्प्रेड कर दूँगी। अब इसके ऊपर मैं लगाऊँगी सूखा आटा, इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। इसे अब फोल्ड कर दूंगी हाफ में, ये देखिए इस तरह से, और अब इस हाफ के ऊपर भी दोबारा से मैं लगाऊंगी घी और साथ में सूखा आटा। अब इसे दोबारा से हाफ में फोल्ड कर देंगे इस तरह से, हल्के हाथ से थोड़ा सा दबा दूंगी ये स्प्रेड हो जाए, और ट्रायंगल शेप है इसी तरह से ही इसको हमने आगे बढ़ाना है। अब इसे सूखे आटे में लपेट कर मैं रोल कर लूंगी, और कोशिश ये रहेगी कि ये ट्रायंगल शेप में ही रहे, ट्रायंगल शेप में ही रोल करूँ इसे। ट्रायंगुलर परांठा बहुत लोग बनाते हैं, बहुत ही कॉमन है, लेकिन इस तरह से सूखा आटा बीच में लगाने का जो फ़ायदा होता है कि इसकी हम पॉकेट्स सेपरेट कर पाते हैं।
बच्चों के लिए ये परांठा एक्साइटिंग बनाने के लिए आप इसमें पॉकेट में क्या क्या डाल सकते हैं, यह मैं अभी आपको वीडियो में आके बताती हूँ। परांठे को मैं हल्के हाथ से ही बेल रही हूँ और अब जैसे साइज में थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो मैं सिर्फ इसे बाहर बाहर की तरफ से बढ़ा रही हूँ। परांठे को बहुत ज़्यादा जोर लगा कर नहीं बेलिएगा, नहीं तो फिर लेयर्स सेपरेट करने में दिक्कत होगी। मैंने तवे को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम हीट पर, तवा भी गर्म हो गया है। बस अब परांठे को दोनों हथेलियों में इस तरह से झाड़ते हुए ताकि सूखा आटा झड़ जाए इसे मैं डाल दूंगी तवे पर। आप यहाँ क्लोजअप में देखिए, जहाँ जहाँ मैंने फोल्ड किया था परांठा वहाँ पे आपको निशान दिखाई दे रहे हैं, बस वहीं से हमारी पॉकेट सब खुलेंगी। मैंने परांठे में अंदर सिर्फ घी और सूखा आटा ही लगाया है। मैं सादा पराठा बना रही हूँ क्योंकि मैं इसे सब्जी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसी को थ्री पॉकेट मसाला पराठा भी बना सकते हैं। अंदर हर लेयर में जैसे हमने घी और सूखा आटा लगाया है, आप साथ में नमक मिर्च मसाले अपनी पसंद के लगाएं, वह बनेगा मसाला पराठा जिसे आप बटर या दही के साथ खा सकते हैं। आप इसी को और भी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, अंदर कटा हुआ हरा धनिया डालें साथ में नमक मसालों के साथ, बहुत ही बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन डालें, यह बन जाएगा लहसुनी मसाला परांठा। 30 से 40 सेकंड में देखिए अब एक तरफ से कुक होना शुरू हो गया है, बबल्स दिखाई दे रहे हैं। परांठे को मैं पलट दूंगी, देखिए कुछ ही सेकंड में भी परांठा फूलना भी शुरू हो गया है। इसकी लेयर्स देखिए अपने आप से ही सेपरेट होनी शुरू हो गई हैं। परांठा पलटने के ऑलमोस्ट 40-50 सेकंड में ही देखिए अब ये बॉटम लेयर बढ़िया से कुक हो गई है। तो इसे पलटने से पहले मैं इसके ऊपर लगा दूंगी घी। जैसे मैंने शुरू में भी कहा, आप घी लगाएं या तेल आपकी अपनी चॉइस है। अच्छे से घी लगाकर परांठे को पलट देंगे। देखिए परांठा बनते टाइम ही फूल रहा है ना, देखकर ही बड़ी खुशी होती है। इस तरह से स्पैचुला से हल्के हाथ से प्रेस भी कर देंगे ताकि बढ़िया से क्रिस्प हो जाए। इस तरफ भी अच्छी तरह से घी लगाकर अभी इस साइड को भी फ्राई करेंगे। मैं परांठे को पलट पलट कर अब दोनों ही तरफ से क्रिस्प कर लूँगी। ये लीजिए, थ्री पॉकेट परांठा है तैयार, बढ़िया सा क्रिस्प परांठा। अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैं आपको इसकी पॉकेट्स सेपरेट करके दिखाती हूँ। परांठे की बैक साइड पे अब देखते हैं हमारी तीनों पॉकेट्स, ये देखिए कितने इजीली सेपरेट हो रही हैं। अगर ज़रूरत हो तो आप नाइफ से भी कर सकते हैं, बट मैंने सफिशिएंट घी और सूखा आटा लगाया था तो बहुत ही इजीली सेपरेट हो रही हैं। देख रहे हैं पॉकेट्स, और ये बच्चों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होती हैं। पॉकेट वाला परांठा, थ्री पॉकेट वाला परांठा। एक बार परांठा थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आप इसमें पॉकेट्स में अलग अलग चीज़ें लगाकर बच्चों को खिला सकते हैं। चाहे तो तीनों पॉकेट्स में अलग अलग चीज़ें लगाएं, चाहे तीनों में एक जैसी, चाहे सैंडविच की तरह बाहर की दो में एक आइटम और बीच की पॉकेट में कोई और आइटम। क्या क्या लगाया जा सकता है, पीनट बटर, हमस, चटनियाँ, तरह तरह की चटनियाँ, जैम, मार्मलेड, नटेला, चीज स्प्रेड, मलाई, ढेर सारी ऑप्शंस हैं। आपके बच्चे को जो पसंद हो वही उसमें लगाकर आप उसे खिलाएं। या मैं आपको एक और पराठा भी बेलकर दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हो गई मशरूम मटर की रेसिपी। होम स्टाइल मैंने आपको दिखा दिया, होटल स्टाइल कैसे बनाना है वह भी सारा बता दिया है, और आपको बता दिया ये थ्री पॉकेट पराठा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये दोनों ही रेसिपीज पसंद आई हैं तो प्लीज़ 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 याद से करें वीडियो को लाइक, कॉमेंट करिए, अपने सोशल नेटवर्क्स पर ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक पूनम्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन याद से क्लिक करें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अगर आप मेरी रेसिपीज़ घर पर ट्राई करते हैं और इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं तो मुझे याद से टैग कीजिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है पूनम्स किचन। अभी के लिए है बाय, आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।